हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8 कुशल गांव और समृद्ध शहर के सभी प्रश्न करेंगे, जो कि यूपीएससी के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तमिल क्षेत्र में बड़ी जमींदारियों को किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस: ए वेल्लालर, बी किसान, सी कदेशियर, डी दास। उत्तर: ए वेल्लालर। प्रश्न 2, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस: ए ग्राम भोज, बी गृहपति, सी श्रेणी, डी वेलाल। उत्तर: बी गृहपति। प्रश्न 3, संगमा क्लेम दक्षिण भारतीय सर्राफा किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस: ए ग्राम भोज, बी कदेसियार, सी वेलाल, डी उनवार। उत्तर: सी वेलाल। प्रश्न 4, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस: ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी स्कंदगुप्त, सी रुद्रदामन, डी अशोक। उत्तर: ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 5, संगमकालीन व्यावसायिक नगर कौन नहीं है? ऑप्शंस: ए कुहार, बी तोंदी, सी उरैयूर, डी कन्याकुमारी। उत्तर: डी कन्याकुमारी। प्रश्न 6, तमिल क्षेत्र में साधारण हल शिपयार्ड को किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस: ए वेल्लालर, बी किसान, सी कदेशियर, डी दास। उत्तर: बी किसान। प्रश्न 7, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक कहे जाते थे? ऑप्शंस: ए कदेशियर, बी वेल्लालर, सी किसान, डी इनसे कोई नहीं। उत्तर: ए कदेशियर। प्रश्न 8, देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस: ए गृहपति, बी वेल्लालर, सी ग्राम भोजक, डी दास। उत्तर: सी ग्राम भोजक। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक का कार्य है? ऑप्शंस: ए गांव से टैक्स विक्रेता, बी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर: सी ए और बी दोनों। प्रश्न 10, लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस: ए 5000 साल पहले, बी 4000 साल पहले, सी 3000 साल पहले, डी इनसे कोई नहीं। उत्तर: सी 3000 साल पहले। प्रश्न 11, दक्षिणी भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था? ऑप्शंस: ए वेल्लाला, बी उनवार, सी कदेसियार, डी आदिमई। उत्तर: ए वेल्लाला। प्रश्न 12, उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे? ऑप्शंस: ए सर्फ, बी गृहपति, सी जातक, डी अधिमई। उत्तर: बी गृहपति। प्रश्न 13, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती है? ऑप्शंस: ए संगम साहित्य, बी वैदिक साहित्य,
सी जैन साहित्य, डी बौद्ध साहित्य। उत्तर ए संगम साहित्य। प्रश्न 14। दक्षिण भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शंस ए मथुरा, बी वाराणसी, सी पुणे, डी मदुरई। उत्तर डी मदुरई। प्रश्न 15। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी मथुरा, सी झांसी, डी थानेसर। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।